स्वागत है आप लोग एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल निबंध रिजा में। जैसा कि आप लोग पता है, कल मैंने आपको फिजिक्स का पेपर एनालिसिस करके बताया था और ऑफिशियल साइट पर जाकर, तो उसी तरह मैं आज फिर आपके लिए ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ और आज मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने वाला हूँ। देखिए, आपको पता होता है कि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन कहाँ से आने सिलेबस में अच्छी तरह दर्शाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज के अपनी इस वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने सुझाव प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको मैथ का चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखिए आप लोग जो ऑफिशियल साइट पर आओगे तो सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर तो आप लोग अपना हल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस एनालिसिस में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको देखिए सबसे एक नंबर पर दिया जाता है शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कंपेरिजन। अब भाई आपको ये समझिए, आपका इंग्लिश का पेपर होता है 20 नंबर का, तो बाकी सब्जेक्ट का होता है 25-25 का, लेकिन इसमें होता है 20 का, और 20 में लगभग 5 से 6 नंबर की वोकैब होती है। अगर आप लोग वोकैब नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है, इंग्लिश सेक्शन में पास होना है, तो उसमें आपके पैसेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है पैसेज पर। देखिए पैसेज को मैं आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 4 क्वेश्चन टेस्ट कंपेरिजन। पैसेज में 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्या आता है टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा जो पैसेज दिया जाता है उसी में उसका आंसर होता है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाने हैं कि कोई भी पैसेज मिले आपको प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही दिया होता है, सारे क्वेश्चन आपको हल करके जाने हैं। उसके बाद टू ड्रॉ इन्फेरेंस, उसके बाद लास्ट में जो दिया टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलिटी। तो वोकैब वाला सेशन ये होता है, अगर वोकैब आपको पता है तो ही करिएगा, नहीं तो आप माइनस में जा सकते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि वोकैब का सेशन आपको वोकैब तैयार करके जाएंगे। अगर वोकैब आपको आती है तो थर्ड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वोकैब वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको तुक्का कतई नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है कि आपके इससे माइनस में मार्किंग जा सकती है और आप लोग फेल हो सकते हैं 0.25 से। तो आपको मैंने जैसा बता दिया कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इस पर फोकस नहीं करना है, और ऊपर के 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पैसे से संबंधित वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। वो कैब वाला क्वेश्चन देखिए आपके लिए फ्री होता है, अगर आपको आ रहा है तो आप लोग करिए, अदरवाइज उसको ना करिए, क्योंकि उससे आप लोग माइनस में जा सकते हैं। बाकी पेपर भी तो पीछे, अगर पिछला पेपर भी आपका अच्छा हो रहा तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, और अगर पिछला पेपर अच्छा नहीं हो रहा तो आप लोग लगा सकते हैं अगर आप लोग 50-50 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जब ग्रामर के पार्ट फर्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर दिया सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रम फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेज। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल नेगेटिव अफर्मेटिव कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। तो अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर एक पर आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्ड जो होता है उसी से हमारा एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है लगभग, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन अगर 9 शिफ्टों में आपके लिए पेपर हो रहा है तो लगभग 6 से 7 शिफ्ट में आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। इसका क्वेश्चन ये नहीं है कि कल आपको ये पूछेगा, एरर में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, कभी हेल्पिंग वर्ब भी गलत हो सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको 100% अच्छे से तैयार कर लेना है, अभी से आप लोग टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है फॉर्म ऑफ वर्ब एरर ऑफ द यूज ऑफ वर्ब। अब वर्ब का फॉर्म वाला ये कन्फर्म नहीं कि आपके शिफ्ट में आएगा या नहीं, लेकिन 2 से 3 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आता है वर्ब की फॉर्म का। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड एरर्स, तो देखिए इसका हमारा क्या होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है टाइम एंड टेंस, यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग निश्चित होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेबस में भी दिया गया है। तो टाइम एंड टेंस आपको अच्छे से लर्न करना है, और यहाँ से ज़्यादातर अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपके ही सेट में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो टाइम एंड टेंस अच्छे से फोकस करिएगा, सिंपल रूल और एरर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारी डिग्रीज, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एयरफोर्स पूछा जाता है उसमें डिग्री संबंधित ही पूछा जाता है, कंपेरेटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, इसी में एरर आपकी ज़्यादातर दी जाती है। तो आप लोगों को डिग्री पर मेन फोकस करना है, उसके बाद ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनको भी याद कर लेना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, डिग्री को आपको अच्छे से फोकस करना है। अब देखिए ग्रामर का पार्ट 1 तो आपका होगा, लेकिन ग्रामर का पार्ट 2 पर आप लोग समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% यानी कि 9 से 7 से 8 शिफ्टों में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब आता है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, इसमें क्या है कि नाउन ऑफ वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म के नाउन बनाना, वर्ब का एडवर्ब बनाना, एडजेक्टिव बनाना, ऐसे यानी कोई आपको वर्ड दे दिया उसका पूछ लेगा नाउन फॉर्म क्या है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, या वर्ब उसकी क्या बनेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आना होता है। तो देखिए सब साफ साफ पहले से आपको सिलेबस में दिया गया है, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड तैयार कर लेना है।
उसके बाद डिटरमाइनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद द प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा इसमें क्या प्रीपोजिशन लगे, इसमें क्या होता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एयरफोर्स के पेपर में 5 से 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं, 2 से 3 एरर पूछे जाते हैं, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ही आपका देखिए जो रूल होता है प्रीपोजिशन वाला और डिटरमाइनर्स का, ये दोनों पूछ लिया जाते हैं, तो आपको इनको भी प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद है नाउन एंड प्रोनाउन, इनके रूल तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कब 123 लगता है, कब 231 लगता है, कब नाउन के रूल, कब हेल्पिंग वर्ब क्या लगे किसी को। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन मॉडल्स, देखिए अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन इनके जो नॉर्मल 10-10, 15-15 रूल दिए हुए हर चैप्टर में, इसके बाद ये लगता है हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर होता है, ये वर्ब प्लुरल होता है, ये सारे रूल्स इनके आपको याद करने और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको रूल तैयार तो इतने में ही इनका सारा कुछ खेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इनके जो सिंपली रूल आपको लिखा जाते हैं आपकी कोचिंग्स में, अगर नहीं लिखा गया उनसे सर से बोलिएगा हमारी कोचिंग के जो रूल होते हैं इनमें लिखाइए एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन और मॉडल्स। तो कंजक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रूल पूछे जाते हैं, क्या कभी फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेते हैं, कभी एरर में पूछ लेते, तो कंजक्शन का आपका यही मेन पार्ट है, एरर में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो कंजक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके रूल आपको सिंपली याद करना, जैसे यहाँ पर मॉडल्स हो गए, कंजक्शन 5 दिए तो इनमें से कम से कम 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लॉज, क्लॉज में भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाए कि यहाँ पे टाइम एंड टेंस का जो आ गया हमारा रिलेटिव क्लासेज आ गए, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको हम आते हैं वो कैप पोर्शन पर, वो कैप पोर्शन पर आपको क्या करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पहले आपको देखिए सभी लोग अगर एयरफोर्स की तैयारी करें तो लूसेंट बुक आपके लिए कंपलसरी होती है इंग्लिश की, और उसकी वोकैब आपको 100% याद कर लेनी है सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं उसी से पूछे जाए, तब आप लोग अदरवाइज बुक यूज करिएगा। और आपको जो बता दूं मैं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक बुक आती है इंटर में जो वो लोग यूज करते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट को आपको अच्छे से उसकी जो वोकैब है वो आपको याद कर लेनी है, ताकि आपको ज़्यादातर वोकैब क्या होता है कभी कभी एक्सीलेंट से भी फंस जाते हैं, उसमें वोकैब का जो हमारा पोर्शन है वो काफ़ी कम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप एक्सीलेंट का वो कैब याद करिए, उसके बाद आप लोगों को लूसेंट पर आना है, और लूसेंट का ही वो कैब पहले, क्योंकि दो बुक का जब वो कैब तैयार होता है तो आपके पास अलग का कॉन्फिडेंस आता है, देन आप लोग एग्जाम क्रैक करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद एंटोनियम्स का भी यही पोर्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपका लूसेंट का पूरा जितना पोर्शन है वो आपको पूरा याद करके जाना है, उसके बाद आपको एक्सीलेंट का याद करना है, और फिर अदर कोई बुक आपको अगर लाइक कर आए आप अध्ययन करता जो प्रैक्टिस सेट है वो करते रहिए। देखिए सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड स्पेलिंग पिटफॉल्स को मैं आपको सबसे पहले अच्छा तरीका ये बता दूँ, आपके पास 2 से 3 प्रैक्टिस सेट होंगे, जो प्रैक्टिस सेट आप लेकर आए हैं उनमें जो पहले आप लोग एक बार साल को, उसके बाद जो वो कैब है एक दिन बैठिए, केवल आपको क्या करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है तीनों प्रैक्टिस सेट के, उठाइए 20 सेट होते हैं एक, उसमें 20-20-60 यानी कि आपको 60 सेट फैक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेंगे, एक कापी में लिखिए उनको अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको जब 3 प्रैक्टिस सेट ही आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है अगर आपको आता है तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको इतना अपना माइंड शार्प करके जाना है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि एक दिन क्या करिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए उसके सारे वन वर्ड याद करिए, आप 3 सेट लाए तीनों के वन वर्ड याद करता रहे, एक दिन उठाई बुक तो उस दिन क्या किया सामने सामने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उस बुक के पूरे याद कर लिए, इस प्रकार आप लोग याद करोगे तो आपका वोकैब का पोर्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपके फेमस क्वेश्चन है SSC में पूछे जा रहे हैं, जो हमारे UPSC NDM पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन ज़्यादातर एयरफोर्स में भी रखे जा रहे हैं, यानी कि आपको ज़्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो फेमस क्वेश्चन है जैसे 100 का मिस स्पेल्ट हो गया, जो फेमस फेमस वर्ड हैं वही आपको ज़्यादा याद करना, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो उसी में से आपका वर्ड आ जाता है। तो आप लोग गूगल में आपको कभी ने फोकस किया कि जो एग्जाम देकर आया है और आपका वर्ड जो मिस स्पेल्ट हो, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको वही देगा और वही आपको सीधा वर्ड पहुँचा देगा। होता क्या क्योंकि वो वर्ड SSC में पूछा जा चुका होता है, ये बात तय होती है, तो आप लोगों यही फोकस करना कि मिस स्पेल्ट वर्ड भी याद करके जानना है अच्छे से। उसके बाद आपका idiom phrases का भी यही सिस्टम है, तो आपको इन दोनों में फोकस कर लेना है, idiom phrases हो गया और वर्ड का स्पेलिंग कन्फ्यूज वाला, तो आपको इसमें स्पेलिंग कन्फ्यूज में क्या होता है और ये हमारा जो होता है मिस स्पेल्ट, इन दोनों में से एक को पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर, तो आपको मिस स्पेल्ट आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद देखिए नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस एक्टिव है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि नरेशन का तो आपको कोई क्वेश्चन मार्क वाला ज़्यादा होता है आपको, तो कमांड और रिक्वेस्ट वाला इंपरेटिव सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो हमारा वॉइस और नरेशन होता है इसमें ज़्यादातर आप लोग क्या एग्जामिनर क्या फोकस करता है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि होता क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में नए से नए रूल बन के आते हैं हर सेंटेंस के, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपको सारे इंपरेटिव सेंटेंस ही याद करके जाने अच्छे से। उसके बाद वॉइस एंड नरेशन कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, तो आपका क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले वॉइस देखा, क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने ऑप्शन कट किए, क्योंकि कभी क्या होता है नरेशन में दिस का दैट नहीं किया गया, कभी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया गया, ऐसे ही सिंपली गलती होती है, तो आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन पर फोकस करना है और वहीं से आपके 2 से 3 ऑप्शन कट जाएंगे और डायरेक्ट आप लोग आंसर टिक कर पाएंगे।
तो वॉइस और नरेशन का आपका यही सिस्टम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपको इंपरेटिव सेंटेंस को देनी है, उसके बाद अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ने हैं, और ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद देखिए हमारे जंबल सेंटेंस होते हैं, तो जंबल सेंटेंस को भी आपको PQRS में क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, हमेशा ऑप्शन से सेट करिएगा, जो सही लगे वही टिक कर दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शन से सेट करने में आपको पता होता है, आप लोग देखेंगे जब ए सेट हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो आप देखेंगे इनमें से 3 क्वेश्चन बी से शुरू हुए हैं, तो आपको क्या इससे आसानी हो जाएगी, हाँ भाई हो सकता है बी से ही सही होगा, इन तीनों में से कोई होगा, ये वाला सीधा कट हो जाएगा, तो ऐसे चांसेस ज़्यादा होते। तो आपको सारे क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है नरेशन वाइस और PQRS आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करने हैं, ये आप लोग फोकस कर लीजिए। और अभी से जो हमारे प्रैक्टिस सेट आप लोग लेकर आए होंगे उनको PQRS और एक्टिव वाइस नरेशन आपको सारे किससे सॉल्व करने, ऑप्शन से मोस्ट प्रायोरिटी देकर। तो और आप लोग खुद प्रैक्टिस सेट पर देखोगे सारे क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस के ही देते, तो इस पर फोकस करिएगा। तो आपके देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 में से 2 वॉइस एंड नरेशन 100% से, और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए, वन वर्ड का एक हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग, इनमें से मिला के 4 2 आपके कितने 6 नंबर हो गए। वो कैब सेशन पर अच्छे से फोकस करिएगा, 6 यहाँ से हो गए। और मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने कंपेरिजन अच्छे से कर लिया, पैसे जाने का अच्छे से कर लिया, तो 6 + 3 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको करके आने। देखिए वोकैब वाला सेशन मैं नहीं मानता, क्योंकि होता है अगर वोकैब आपको नहीं आती तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो आपके कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नाउन एंड क्लास, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 9 में अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहे, अगर आपने 2 सही कर लिए तो आपके कितने नंबर हो गए, +11। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन, यहाँ पर एक डिग्री से आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से आ गया, यहाँ 4 क्वेश्चन 4 ही आते हैं, और आप लोग ने फिर +2 सही कर लिए तो आपके कितने नंबर हो गए, 13। अब आपको मैं पासिंग मार्क्स लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे पास भी नहीं हो पाते, जो अच्छे होते हैं उनके तो 15+ मार्क आने ही आने होते हैं, तो आपको लेके 13+ नंबर बनना है यहाँ पर। तो अब आप लोग मान लीजिए आपने एंटोनिम्स किया, लेकिन वो बाई चांस आपका गलत हो गया, देखिए आपकी एक्यूरेसी वही होती है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना भी तय होता है, क्योंकि सभी की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। तो अब 13 में आप लोग 2 गलत हो गए, लेकिन आपको 11 नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि दो नंबर हमारे माइनस में जाएंगे 0.5, लेकिन फिर भी आप लोग पास हो जाएंगे। तो आपको यही फोकस करके चलना है, 15+ तो आपको अगर मेरिट में जाना है, फाइनल के लिए कट ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, और आप लोग वाई ग्रुप पर हैं तो इंग्लिश के लिए तो आप लोग मोस्ट फोकस करके जाइए, और अगर आप लोग वाई ग्रुप से 16+ नंबर तो बिल्कुल तय कर लीजिए, तभी आपका फाइनल मेरिट में हो पाएगा। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, और जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट को जो हमारा सिलेबस दिया उसको देखते हुए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब इसमें लिखा है आपको वर्ड फॉर्मेशन आना है, उसके बाद वहाँ पर बोलते हो कि हमारा जो वर्ब से एडवर्ब पूछा गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब क्वेश्चन में दिया है आपका सिलेबस में दिया है तो आप लोग उसको पढ़ के जाइए। तो मोस्ट प्रायोरिटी आपकी एक्टिव वाइज नैरी वाइज आपको क्या फोकस करना है, नरेशन हो गया आपका, पैसिव वाइज हो गया, और आपका पैसेज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दीजिए आप लोग, और एग्जाम में सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन इनके हो गए और 4 क्वेश्चन पैसेज, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो 6 नंबर होते हैं, बाकी आप लोग खुद जुगाड़ कर सकते हैं, जो बाकी वो कैब आपकी आती है उससे, जो हमारे रूल्स आते हैं उनसे, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, और आपको अगर मैथ्स का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।